हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ सीबो जेल के बारे में। तो अगर आपने कभी एक्ने ट्रीटमेंट करवाया हो या आप एक्ने से परेशान होंगे तो सीबो जेल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि इसको कैसे यूज़ करना है, कौन कौन यूज़ कर सकता है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में दूंगी। तो ये जो सीबो जेल है, एक मेडिकेटेड जेल है और जो कि कॉम्पोजिशन है सैलिसिलिक एसिड का और निकोटिनामाइड का। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो केराटोलाइटिक एजेंट होता है, मतलब आपके स्किन के आउटर लेयर को ब्रेक करके पेनिट्रेट होके स्किन पे काम करना शुरू करता है। इसमें निकोटिनामाइड यूज़ किया गया है। निकोटिनामाइड में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी स्किन से जो भी रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करता है। इसको यूज़ करने के बाद आपके पिंपल के साइज़ रिड्यूस होता नज़र आएगा। ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दोनों साथ में मिलके बहुत अच्छे से स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके एक्ने को की प्रॉब्लम को दूर करेगा। एक्ने को, पिंपल को, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपके एक्ने मार्क्स हैं, आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, आपको टेक्सचर अच्छा करना है, या फिर बहुत लंबे टाइम से आपके स्किन पे एक्ने हैं और एक्ने ने आपकी स्किन को डैमेज कर दिया है, तब भी आप इस जेल को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये जो जेल है इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, 6% इसमें निकोटिनामाइड है। इसके साथ साथ इसमें एक्वा है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, एलोवेरा है और कार्बोमर है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस जेल में यूज़ किया गया है। और बात करते हैं इस जेल को यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अब फेस वॉश कौन सा यूज़ करें, तो देखो कोई भी फेस वॉश अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप हिमालया का नीम फेस वॉश यूज़ कर लेना, क्योंकि वो फेस वॉश सबको सूट करता है, सारे स्किन टाइप्स वालों को सूट करता है, और उसके साथ आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी जेल वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो पहले से यूज़ कर रहे हो वो आपको सूट करता है फेस वॉश, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फेस वॉश कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए अपने फेस को। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल का प्रॉब्लम है, उसको कम करने के लिए आप इस जेल को यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आपके दाने हैं वहाँ वहाँ यूज़ करना है। अगर आपको पिगमेंटेशन को दूर करना है, स्कार्स को दूर करना है, तब आप पूरे फेस पे इसको यूज़ कीजिए। जब आप पूरे फेस पे यूज़ करेंगे तो हल्की सी ड्राइनेस होगी, और जहाँ एक्ने है वहाँ वहाँ भी यूज़ करेंगे तो आपके एक्ने के चारों तरफ ना ड्राइनेस हो जाएगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ की जाने वाली चीज़ें थोड़ी सी ड्राइनेस करती ही हैं, और इसमें तो सैलिसिलिक एसिड है, तो इसका तरीका ही ये है कि आपकी स्किन को ड्राई करेगा, पील करेगा, और पील करते करते ही आपके एक्ने जो हैं वो रिमूव होंगे। ड्राई स्किन वाले यूज़ करेंगे तो ड्राइनेस ज़्यादा होगी, ऑयली स्किन वालों पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, हल्की जैसी भी ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप या तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सेटाफिल का आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक इमोलिन क्रीम आती है जो मुझे बहुत पसंद है, जब भी मेरी स्किन ड्राई होती है मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ड्राइनेस को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कब यूज़ करना है। तो ये जो क्रीम है, इसकी पैकेजिंग में मेंशन है कि आप इसको मॉर्निंग, इवनिंग दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में, नाइट में यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि मॉर्निंग में यूज़ ना करें तो अच्छा है, और सिर्फ नाइट में यूज़ करें, ओवर नाइट इसको लगा के रखें। मॉर्निंग में आप अपने पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं, और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छे से सनस्क्रीन का मैं, या फिर सनस्क्रीन की प्लेलिस्ट की दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। विदाउट सनस्क्रीन आप कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, इससे आपके जो स्किन है और ज़्यादा डैमेज हो सकती है, तो सनस्क्रीन लगाना है। कुछ इस तरह से इसको यूज़ करना है। जब आप रेगुलर इसको 1 वीक तक यूज़ करेंगे तो आपको हल्की सी ड्राइनेस होती नज़र आएगी, तो आप समझ लेना कि ये जेल आपके स्किन पे काम कर रहा है। 15-20 दिनों में कुछ असर दिखने लगेगा, पर अगर कंप्लीट रिजल्ट चाहते हो तो आपको 1.5 से 2 महीने तक इसको यूज़ करना पड़ेगा।
इसको यूज़ करते टाइम थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है, नॉर्मल है, पर अगर आपकी स्किन पे इसको यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो समझ लेना कि ये जो जेल है आपकी स्किन पे काम नहीं कर रहा है और आपको इसको यूज़ करना बंद करना है। ये जो जेल है इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देता है, पर 1 वीक में ही आपको ऐसे सिग्नल मिल जाएंगे कि हाँ ये काम कर रहा है। कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है? बॉयज़ गर्ल्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 16 प्लस हैं, आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप इस जेल को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये जो जेल है ये काफ़ी अच्छे से आपके एक्ने को ट्रीट करने में, आपके स्किन की टेक्सचर को स्मूथ करने में, स्कार्स को धीरे धीरे फेड करने में हेल्प करेगा। एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पर धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस जेल को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफलाइन किसी भी मेडिकल शॉप से परचेस कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ये 30 ग्राम का पैक आता है। प्राइस की बात करूँ तो 200 के अराउंड इसका प्राइस है। प्राइस के अकॉर्डिंग यार ये काम बहुत अच्छे से करता है, तो बिल्कुल अगर आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसको 15-20 दिन यूज़ करके देखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर से ही मिलेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो ना, तो आप थोड़ा अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करो, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पियो, वेजेस खाओ, फ्रूट्स लो और प्रॉपर नींद लो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, तो ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से काम करना शुरू कर देंगी। अगर सिर्फ क्रीम वगैरह दवाइयाँ ही आपको सूट नहीं कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप में भी चेंज करो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके स्किन को हेल्दी बनाने में। एक बात और, इस जेल को यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और आपको लग रहा है कि फ़ायदा तो मिल रहा है पर ड्राइनेस बहुत हो रही है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे इसको यूज़ करना शुरू कर दो। एक दिन आप ये जेल लगाइए, दूसरे दिन आप ओवरनाइट मॉइस्चराइज़र लगाइए, तो ये बैलेंस बना रहेगा और आपके एक्ने भी ठीक हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगी स्किन पे और आपको भी खिंचा खिंचा फील नहीं होगा। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, और अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, एक बार यूज़ करके ज़रूर ज़रूर देखो। और 2 दिन यूज़ करने के बाद अरे ये काम नहीं कर रहा ऐसे मत करना, कम से कम 15 दिन तक यूज़ करो, काम करना शुरू करेगा, धीरे धीरे काम करना शुरू करती हैं चीज़ें, एकदम से नहीं होता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.